मोदी के जन्मदिवस पर बीजेपी का जनसंपर्क, हर बस्ती में जनसंपर्क करेगी भाजपा। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक भाजपा मनाएगी सेवा पखवाड़ा। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। इसके अलावा 17 सितंबर को पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत होगी। आयुष्मान भव योजना के अभियान की शुरुआत करेंगे। अलग अलग शहरों में केंद्रीय मंत्री कार्यक्रमों में रहेंगे। राजनाथ सिंह, महेंद्रनाथ पांडे वाराणसी में रहेंगे। तो इसके अलावा स्मृति ईरानी झांसी, मंत्री वीके सिंह गोरखपुर में मौजूद रहने वाले हैं। प्रदेश मुख्यालय में पीएम के व्यक्तित्व पर प्रदर्शनी लगाई जाएगी। 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय की जयंती भी मनाई जाएगी। इसके अलावा 26 सितंबर से 1 अक्टूबर तक बूथ सशक्तिकरण अभियान मनाया जाएगा। 2 अक्टूबर को सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा अभियान कार्यक्रम जो है वो किए जाएंगे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के खास मौके पर जो है बीजेपी का जनसंपर्क जो अभियान है वो होगा। हर बस्ती में जनसंपर्क करेगी भाजपा। इसके अलावा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक भाजपा सेवा पखवाड़ा मनाएगी। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती। 17 सितंबर को पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत होगी। इसके अलावा आयुष्मान भव योजना के अभियान की भी शुरुआत की जाएगी। और इस पर खास जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अनिकेत तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए। अनिकेत, जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के खास मौके पर जो है जनसंपर्क यात्रा के साथ ही साथ पखवाड़ा मनाने का जो कार्यक्रम रखा गया है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए लता, अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की, तो 17 सितंबर को भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनका जन्मदिन है, वही 2 अक्टूबर को जो महात्मा गांधी है जयंती मनाई जाती है। और बात की जाए अगर भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के बीच में जो भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा चलाएगी। हालांकि बात की जाए अगर 25 सितंबर को, तो पंडित दीनदयाल की जयंती भी इसी दौरान जो आयोजित की जाएगी, उसमें तमाम जो कार्यक्रम है वो देखने को मिलेंगे। हालांकि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की बात की जाए, 17 सितंबर को है, तो उस दिन जो पीएम विश्वकर्मा योजना है उसकी शुरुआत की जाएगी। वहीं आयुष्मान भव योजना को भी इस दौरान शुरुआत की जाएगी। तो इसके साथ अलग अलग शहरों में अगर बात की जाए, तो तमाम सेवा पखवाड़े के माध्यम से जो कार्यक्रम रहेंगे, उन कार्यक्रमों में जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो केंद्रीय मंत्री है, वो शिरकत करते हुए साफ तौर पर नजर आएंगे। वो चाहे राजनाथ सिंह की बात की जाए, या महेंद्रनाथ पांडे की बात की जाए, या फिर स्मृति ईरानी की बात हो, या फिर जो मंत्री वीके सिंह है उनकी बात हो, तमाम जो केंद्रीय नेतृत्व जो मंत्री हैं वो इस सेवा पखवाड़े में बिल्कुल सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन होगा। निकट क्या कहा जाए, इसमें सेवा पखवाड़े के दौरान किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? देखिए लता, अगर बात की जाए इस पूरे कार्यक्रम की, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं आने वाले समय में जिस तरह से लोकसभा चुनाव है, उन लोकसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए लगातार अब बीजेपी जो है वो अपनी जो जमीन है उसे और मजबूत करने की लगातार कवायद कर रही है। जिस तरह से लगातार केंद्रीय नेतृत्व लेकर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि आने वाले लोकसभा के चुनावों में जो उत्तर प्रदेश की 80 सीटें, सभी सीटों पर जीत सुनिश्चित करनी है, तो उसके क्रम में जो तमाम ये जो आयोजन है, तमाम जो कार्यक्रम है, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आयोजित किए जा रहे हैं। हालांकि अगर बात की जाए 26 सितंबर की लगता है, तो 26 सितंबर को 1 अक्टूबर तक जो बूथ सशक्तिकरण का जो अभियान है वो देखने को मिलेगा। वहीं 2 अक्टूबर जब गांधी जयंती होगी, तो उसमें सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा अभियान है उसका कार्यक्रम रखा जाएगा। तो साफ तौर पर कहने के 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के तमाम ऐसे कार्यक्रम, तमाम ऐसे आयोजन होंगे जिन कार्यक्रमों में जो अभियान है, जो कार्यक्रम है वो देखने को मिलेंगे। और चाहे सेवा पखवाड़े की बात होगी, सेवा पखवाड़े के माध्यम से तमाम जो लोग हैं जिनकी जो सरकार की तमाम योजनाओं से जो लाभान्वित हो रहे हैं, उनसे संपर्क साधा जाएगा और किस तरह में और जनाधिकार अपने पक्ष में लाना है उसको लेकर तमाम जो आयोजन है, तमाम जो कार्यक्रम है वो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में देखने को मिलेंगे। चलिए, बाकी सेवा पखवाड़े के दौरान जो है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीकी, कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी, इसके मद्देनजर ये जो है कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया आपका निकेत, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए।